साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु हमेशा अपनी अदाकारी का लोहा मनवाती हैं। आज समांथा वो नाम बन चुकी हैं जिनके चाहने वालों की पूरी दुनिया में मौजूदगी है। आज एक्ट्रेस के पास एक से बढ़कर एक शानदार ऑफर है। हालांकि समांथा के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। आपको बता दें कि आज आपकी प्यारी समांथा रुथ प्रभु अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई में जन्मी समांथा यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष की हैं। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज समांथा का करियर बुलंदियों को छू रहा है। समांथा एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। समांथा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो हायर एजुकेशन कर पाए। समांथा ने एक बार अपने इंटरव्यू में खुलासा भी किया था कि उनके माता पिता हमेशा उनसे कहते थे, बहुत पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करके ही कुछ बड़ा कर पाओगी। इसके बाद एक्ट्रेस ने 10th, 12th और कॉलेज में टॉप किया। समांथा ने आगे और पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो समांथा की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। समांथा हमेशा कहती हैं, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप किसी भी मुश्किलों को पार कर जाएंगे। फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने से पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से समांथा ने कई छोटी मोटी नौकरियां भी की हैं। अपनी पहली फिल्म मिलने से पहले समांथा की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2 महीने तक ऐसी नौबत आ गई थी कि एक्ट्रेस दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी। समांथा ने पैसे कमाने के लिए कई छोटे मोटे काम करने के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी की, और यही वो वक्त था जब समांथा की जिंदगी बदलने वाली थी। कहते हैं कि मॉडलिंग के दिनों में उन पर फिल्म मेकर रवि वर्मन की नजर पड़ी। उन्होंने एक्ट्रेस का फिल्म इंडस्ट्री से इंट्रोडक्शन कराया और एक्ट्रेस को अपनी पहली फिल्म ये माया चेसावे मिल गई। 2010 में समांथा की डेब्यू फिल्म रिलीज हो और एक्ट्रेस को पहली बार बड़े पर्दे पे देख के दर्शक उनके दीवाने हो गए। बस फिर क्या था, समांथा को एक के बाद एक लगातार कई फिल्में मिलती गई। 2010 में एक्ट्रेस की 4 और फिल्में रिलीज हुई। इसके बाद समांथा अपने करियर में आगे बढ़ती गई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।